हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लव इंटरटेन यूट्यूब चैनल। लव इंटरटेन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पांच ऐसे टॉप के वीक पॉइंट जिनको आप अपने पार्टनर से कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। यदि इस तरह के ये वीक पॉइंट आप अपने पार्टनर से शेयर करते हैं तो इसका परिणाम आपको बहुत ही बुरा भुगतना पड़ जाता है। तो दोस्तों, ये वीक पॉइंट आप अपने पार्टनर से कभी भी शेयर नहीं करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, इसको एंड तक देखते रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे बात करेंगे, इस वीडियो का बनाने का हमारा इंटेंशन है वो ये है कि टू एवरग्रीन रिलेशनशिप, आपका रिलेशनशिप हमेशा सदाबहार रहे, कभी भी टूट ना आए आपके रिलेशनशिप में। तो यहाँ पे इस वीडियो के जो वीक पॉइंट हैं इसमें आपको बताए हैं जो आपको अपने वीक पॉइंट कभी भी नहीं बताना चाहिए अपने पार्टनर से। तो वीडियो एंड तक देखते रहिए, बहुत ही काम का है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बात करें, पहला जो पॉइंट है वो ये है कि शादी करना चाहते हैं। जी दोस्तों, आप बार बार ये बोलते हैं कि मैं शादी करना चाहता हूँ आपसे, तो इसे आप क्या जताना चाहते हैं? नहीं, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं ये पॉइंट, तो आप क्या जताना चाहते हैं? देखिए, आप इस तरह के पॉइंट, मैं आपसे शादी करूँगा, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, तो मैं आपके बगैर मर जाऊँगा, इस तरह का आप पॉइंट बोलते हैं, तो ये आप क्या जताना चाहते हैं? देखिए, इससे आपके पार्टनर में क्या सेंस जाता है, आपके पार्टनर के माइंड में सेंस जाता है कि ये तो रिजर्व कोटा में, ये तो कहीं नहीं जाने वाला, ये तो मेरे लिए ही आया और मेरे पास ही रहेगा। तो इससे ये सेंस जाता है और आप अपना वीक पॉइंट बता देते हैं, और जिससे उसको इस तरह का प्रभाव पड़ता है कि ये कहीं नहीं जाने वाला है। यदि आप ये वीक पॉइंट नहीं बोलेंगे अपने पार्टनर से, तो वो भी सोचने लगेगा कि ये कहीं दूसरी जगह तो नहीं चला जाएगा, ये कहीं मुझको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, तो वो भी आपकी तरफ भागेगा और वो आपको चाहता रहेगा दोस्तों। तो ये वीक पॉइंट आप नहीं बताएंगे, बार बार नहीं बोलेंगे, लेकिन समय आए तो कह सकते हैं कि शादी करने का समय आ जाए तो शादी कर सकते हैं। तो ये आप वीक पॉइंट मत बताइएगा। दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि आपके बिना मर जाएंगे। जी दोस्तों, आप ये बोल के बार बार क्या जताते हैं कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, मैं आपके बगैर मर जाऊंगा? देखिए, इस तरह के ये वीक पॉइंट होते हैं, ये आपको अपने पार्टनर से शेयर नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों, इस तरह से बोलते हैं आप तो ये सेंस जाता है आपके पार्टनर के मन में कि ये तो मेरे लिए ही मरेगा जिएगा, ये कहाँ जाएगा, ये तो कहीं नहीं जाने वाला है। तो इस तरह का सेंस जाता है आपके पार्टनर के, और यदि ये वीक पॉइंट आप नहीं बोलेंगे तो वो भी सोचने लगेगा कहीं ये तो हमें छोड़ के चला नहीं जाएगा, तो वो भी आपके पीछे भागकर आएगा, वो भी सोचेगा कि कहीं छोड़ ना दे, तो वो भी आपकी तरफ खिंचा चला आएगा। तो इस तरह के वीक पॉइंट आप नहीं बोलेंगे अपने पार्टनर से, तो इसका परिणाम जो है आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों। तीसरा जो वीक पॉइंट है वो ये है कि ब्लॉक अनब्लॉक। जी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अब ये ब्लॉक अनब्लॉक वीक पॉइंट कैसे हो गया। देखिए, जब आपने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है तो फिर अनब्लॉक क्यों किया है? देखिए, आप ब्लॉक कर रहे हैं अपने पार्टनर को क्या समझ के कर रहे हैं? ये आपके लिए ज़िंदगी के लिए सही नहीं है, ये आपको टॉर्चर करता है, ये आपको मारता है, गाली देता है, तब आपने ब्लॉक कर दिया है, ये आपके लिए सही नहीं है, तो सही आपने ब्लॉक किया, लेकिन बाद में अनब्लॉक क्यों किया आपने? जब आप चाहते हैं कि हाँ आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी से चला जाए, तो अनब्लॉक क्यों किया? इससे क्या होगा? देखिए, जब आप अनब्लॉक करेंगे अपने पार्टनर को फिर से, तो आपकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं होगी, वो आपकी फिर से रिस्पेक्ट नहीं करेगा, वो भी उल्टा चालू कर देगा ब्लॉक अनब्लॉक करना। तो आप ब्लॉक करिए तो फिर से अनब्लॉक करना, उसको अपनी ज़िंदगी से हटा दीजिए, जो आपका है वो आपको मिलेगा, जो आपका नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। तो ये यहाँ पर आप इसको सोल्यूशन ऐसे निकाल सकते हैं कि आपके पार्टनर में अनबन हो रही, बन नहीं रही है, तो आप ब्लॉक मत करिए। तो ब्लॉक करेंगे तो अनब्लॉक भी करना पड़ेगा। देखिए, आप ब्लॉक मत करिए, उसका सलूशन आप आसानी से ढूंढकर निकाल सकते हैं। देखिए, आप ब्लॉक कर देंगे फिर अनब्लॉक करेंगे तो उसका परिणाम आपको अच्छा नहीं मिलेगा, ये आपका वीक पॉइंट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, आप अपने पार्टनर को कभी भी ब्लॉक मत करिएगा, ये बहुत ही बेकार होता है। जो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है वो ये है कि ब्रेकअप पैचअप। जी दोस्तों, ये भी ब्लॉक अनब्लॉक के ही तरह है। जब आपने ब्रेकअप किया तो पैचअप क्यों किया? देखिए, आप ब्रेकअप कर रहे हैं कि आपका पार्टनर सही नहीं है, वो आपको टॉर्चर कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में सही नहीं, आपका रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा है, तो आपने ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप क्या है, तो पैचअप मत करिएगा दोस्तों। देखिए, आप ब्रेकअप करना चाहते हैं तो उससे पहले आप सोच समझ लीजिए, उसके बाद ही ब्रेकअप करिए। देखिए, बहुत सारे रास्ते होते हैं आसानी से, मतलब अपने रिश्ते को सही से चलाने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो आप ब्रेकअप करने से पहले बहुत उसका सोल्यूशन ढूंढ लीजिए, तभी ब्रेकअप। तो पहली बात तो आप अपने पार्टनर से ब्रेकअप मत करिएगा दोस्तों। आप ब्रेकअप जब ही करिएगा जब आपकी सिचुएशन ऐसी आ जाए, जब आपका पार्टनर आपको बिल्कुल टॉर्चर करता हो, बहुत ज़्यादा बुरा करता हो, तब आप ब्रेकअप कर सकते हैं, फिर आप उसको पैचअप मत करिएगा। फिर से पैचअप करेंगे तो वो स्थिति वही आ जाएगी, फिर वो आपको ज़्यादातर टॉर्चर फिर से करने लगेगा। तो यहाँ पे ये आप
वीक पॉइंट ऐसा वीक पॉइंट हो जाता है, ये आप बिल्कुल ही नहीं अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करेंगे दोस्तों। यहाँ पे बात करते हैं, अगला पॉइंट है आपस के झगड़े शेयर करना। जी दोस्तों, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है, बहुत ही बड़ा ये वीक पॉइंट होता है आपस के झगड़े शेयर करना। जी दोस्तों, आप अपने पार्टनर आप अपने रिलेशनशिप के झगड़े थर्ड पर्सन को शेयर करेंगे और उस पर्सन से आपके पार्टनर को पता लग गया कि ये मेरे बीच के झगड़े इसको कैसे पता लगे, तो आप में और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा बढ़ जाएगा। तो ये इस तरह का वीक पॉइंट है। और आप देखिए, आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं तो आप ही दोनों सुलझाएंगे उसको, कोई तीसरा नहीं सुलझाने आएगा। यहाँ पे आप एडवाइस ले सकते हैं कोई एक्सपर्ट की, रिलेशनशिप एक्सपर्ट हुआ तो उससे एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन से अपने लड़ाई झगड़े शेयर नहीं करेंगे। ये बहुत ही बुरा वीक पॉइंट होता है, इससे आपके पार्टनर में और ज़्यादा आपकी लड़ाई बढ़ जाएगी, बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े आर्गुमेंट्स होने लगेंगे कि क्या आप जताना चाहते हैं, आप हम दोनों के बीच के लिए ये चीज़ें शेयर करते हो, या आपका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाएगा, या आपके पार्टनर ने ऐसा कर दिया तो आप ही नाराज होने लगेंगे। तो ऐसा आप नहीं करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे ये पांच ऐसे वीक पॉइंट थे जो आपको शेयर नहीं करेंगे, जिनका परिणाम आपको बहुत ही बुरा भुगतना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये पांचों आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए, पहला तो था शादी करना चाहते हैं, देखिए इसे आप नहीं बोलेंगे, बार बार शादी करना चाहते हैं बार बार नहीं बोलेंगे। दूसरा था वो है कि आपके बिना मर जाएंगे, ये भी आप नहीं बोलेंगे। आप इससे क्या जताना चाहते हैं, इसका सेंस आपके पार्टनर के माइंड में जाएगा और वो सोचेगा ये तो रिजर्व कोटा में, ये कहीं नहीं जाने वाला है। तीसरा था ब्लॉक अनब्लॉक, आपने ब्लॉक किया तो अनब्लॉक नहीं करेंगे, आप सोच समझ लीजिए उसके बाद ही अनब्लॉक करिएगा। तो यहाँ पे ब्रेकअप पैचअप, जी दोस्तों आपने ब्रेकअप किया तो पैचअप क्यों करेंगे, आप ब्रेकअप किया उसका सोच समझ के आप उसके बाद ही ब्रेकअप करिए। और जो पांचवा था आपस के झगड़े, जी दोस्तों आपस के झगड़े आप शेयर नहीं करेंगे दोस्तों। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो करके ही जाइएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी लव लाइफ प्रॉब्लम का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। और इंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।